की बात थी ना, और डील मैंने तुझसे इसलिए ली थी क्योंकि तू उस डील के लायक नहीं था। हर्ष क्यों कर रहा है ये भगवान, बचाओ बचाओ हमको, इसने अगर हमको देख लिया तो। एक डील के लिए तू एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा था। तू जानता है वो कौन है? जानकी जी, मेरी जानकी जी। मेरी जान बचाई है उन्होंने, समझा? उनकी तरफ आंख उठाकर भी दिखना तो तेरे हालत में हाथ डाल के तेरी जान मारने का लूंगा, याद रखना। बेवकूफ है तू हर्ष, मुझे क्या लगता है मैं हूं तेरा दुश्मन? नहीं, तेरा दुश्मन तो वो है जो सांप को मारने के चक्कर में खुद का ताला तोड़ रहा है। क्या बोला तू? किसका नाम लिया तूने? किसका नाम लिया तूने? बोल, नाम बता। बकवास कर रहे हैं ना तू? नाम बता मुझे, नाम बता, नाम बता मुझे। नाम जानना तुझे? तू नाम सुनेगा ना, तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अबे हंसेगी दुनिया तुझ पर और रोएगा तू। नाम बता, नाम बता, नाम बता, मैं तेरी जान ले लूंगा भाई, यही भाई। नाम बता। देख, मेरे से जितनी मदद हो सकेगी मैं तेरी करूंगा। जो नाम बता, कौन है वो, कौन है वो, मुझे नाम बता। ठीक है, नाम सुनना ना तुझे। उनका नाम आसपास कोई है? गोली चलिए, गोली चलिए, आसपास देखो, गोली चलिए, गोली। मुझे बता, मुझे नाम बता, मुझे नाम बता, नाम बता। डीएल टू ये गाड़ी कहीं अमित को गोली मारने वाली की तो नहीं थी? अमित के बोलने का क्या मतलब हो सकता है? क्या बोला होगा अमित ने मुझे? चलो पला टली। नहीं राजेश, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम जानते हो ना उस मलहूस का नसीब? सब गड़बड़ हो गया राजेश, पूरा प्लान चौपट हो गया।
तो अच्छा हुआ कि पांच को पता नहीं चला, हम बाल बाल बच गए। सोचो अगर उसको पता चलता कि ये सब हमारा किया धरा है तो क्या होता। अर्ज कहां से आ गए, ये क्या कह रही माँ आप? अर्ज को कैसे पता चला जान की कहां है, वो कहां से पहुंच गया वहां? राजेश जान की फिर से एक बार बच गई। पता नहीं ऐसा कौन सा बंधन है इन दोनों में कि दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए पहुंच ही जाते हैं। लेकिन राजेश, राजेश इस बार हम इस जानकी को घर में तो नहीं घुसने देंगे। एक काम करो राजेश, तुम ना श्वेता को ले आओ और तुम और श्वेता मिलकर घर में आग लगा दो। हर्ष को मारने की कोशिश और श्वेता की बीवी को लेकर घर में एकदम हंगामा मचा दो। इतना भड़काओ राम को ना कि वो जानकी को घर में घुसने ही ना दे। ही जो हो जाए, अब हम जानकी को हमारे घर में घुसने नहीं देंगे। उसकी वजह से हमारे हाथ खून से रंग गए। हम छोड़ेंगे नहीं उसको, हम छोड़ेंगे नहीं। फोन ही नहीं लग रहा उसका, समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो ठीक हो गया है तो उसे घर आ जाना चाहिए था। बाहर कहाँ चला गया वो? और कहाँ जाएगा वो? उसी चुड़ैल के पास गया होगा। आपको क्या लगता है पापा जी, वो और कहाँ जाएगा? आप सब यहाँ परेशान, मैं वहाँ हॉस्पिटल में। खुद हर्ष की किसी ने जान लेने की कोशिश की, फिर किडनैप किया, लेकिन इस बीच में उसे सिर्फ सिर्फ जानकी की चिंता है। इसीलिए हम सबको यहाँ परेशान करके वो वहाँ वहाँ उस जानकी के पास है। जानकी ने ना मेरे हर्ष का ब्रेन वॉश कर दिया है। अब आप ही बताइए पापा जी, मेरा हस्बैंड किसी और औरत, आप उसे कुछ बोलते क्यों नहीं है? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। देखा, मैं कहती थी ना कि मेरे हर्ष और जानकी को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। थैंक गॉड सब कुछ ठीक हो गया। अरे तुम लोग बकवास बंद करो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरा हर्ष उस लड़की के पास जाए, ये हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं ना, आप खुद खुद राजेश भैया से पूछ लीजिए। जी पापा, ये श्वेता एकदम ठीक कह रही है। मेरे आदमी ने बताया कि वो हर्ष वहाँ पहुँच गया दरभंगा जानकी के पास। वह हॉस्पिटल गया थे, बेचारी डिस्चार्ज होने का वेट कर रही थी। अब उस हर्ष को देखिए, ठीक होके सबसे पहले उसे ये श्वेता के पास आना चाहिए था ना, पर वहाँ जानकी के पास पहुँच गया। अब आप ही बताइए पापा जी, मैं क्या करूं? हर्ष को मेरी नहीं उस नौकरानी की पड़ी है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि उसने आपके बारे में भी नहीं सोचा। आप उसके लिए इतना सब कुछ करते हैं, आप उसकी इतना चिंता करते हैं, लेकिन उसको तो पड़ी ही नहीं है। बस सब छोड़ के हमें परेशान करके वो जानकी के पास चला गया। पापा जी, मुझे लगता है मुझे अपने डिसीजन में सोचना चाहिए। ये शादी, लड़की को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब जाकर आराम करिए, हम जानकी के पास बैठते हैं। नहीं नहीं, हमको जानकी के पास ही बैठना है, हम ठीक हैं। अब हमारा एक भी बात नहीं सुनते, आपका तबीयत फिर से खराब हो जाएगा। जानकी को पता लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना उसको। बात ही नहीं समझते। पापा, निशा, तुम कब आए ऐसे अचानक? चल चलो बाहर बात करते, सब ठीक है ना? हाँ माँ ठीक है। वो क्या है कि नितिन बहुत दिनों से कॉलेज नहीं गया था, उसके कॉलेज वालों ने सस्पेंशन लेटर हमें भेज दिया। हमने बताया भी था नितिन को इस बारे में, लेकिन उसने कहा कि वो जानकी दी और पापा को इस हाल में छोड़कर पटना वापस नहीं जा सकता। फिर हमने उसे कहा कि तू कुछ भी करके पटना वापस आ जा, बस हम चले जाएंगे दीदी और पापा को संभालने के लिए। जानकी को अभी आराम करने दीजिए,
पर डॉक्टर साहब अभी तक वो अनकॉन्शियस हैं, कोई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी? बस रहने दीजिए आप, हम आ गए हैं यहाँ पर और हम अपनी दीदी का ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर हुआ क्या है हमारी दीदी को? वो गहरे सदमे और ट्रॉमा की वजह से बेहोश हो गई है, तो रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। चलता हूँ। ठीक है। हर्ष जी एक मिनट। जी देखिए, आपने और आपके परिवार ने जानकी के लिए जो कुछ भी किया है ना, उसका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप जानकी से नहीं मिले। हम इतने भी गए गुजरे बाप नहीं के जानकी के लिए कुछ कर नहीं सके। जब तक हम जिंदा हैं, जानकी को कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। वैसे आप लोगों ने उसका जो हाल किया ना, उसके बाद हम कभी आपको माफ नहीं कर सकते। क्या नहीं किया उसने आपके लिए, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? यहां तक उसे जेल भिजवा दिया आप लोगों ने। बस अब और नहीं। आप हाथ मत जोड़िए। हाथ मुझे जोड़ने चाहिए, हमारे परिवार को जोड़ने चाहिए, और मैं अपने परिवार की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। मैं ये भी जानता हूँ कि आपसे ज्यादा जानकी जी का ख्याल कोई रख ही नहीं सकता। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं आपके साथ हूँ। हाँ, एक चीज की ना बहुत ज्यादा जरूरत है अभी, कि आप अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाएं। निशा है ना पागल हो गई, जब हर्ष बाबू खुद आए हैं मदद के लिए देने के लिए तो मना काय कर रही है। हमारा उद्देश्य आपको या आपके परिवार को दुख पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था, फिर भी हमसे जो हो सका हमने किया है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप रुक जाइए तो? किस हक से रोकेंगे आप हमें? तो वो तब आएगा जब वो घर पर हो। हर्ष को ना माँ बाप की चिंता है, ना इस घर की चिंता है, ना हमारी इज्जत की चिंता है। उसे चिंता है सिर्फ और सिर्फ जानकी की। पता नहीं क्या जादू करके रखा है उस लड़की ने, और कुछ दिखाई नहीं देता उसे।
वो लड़की इंसान नहीं है, शैतान है। शैतान हमारे परिवार को बर्बाद करने पर तुली हुए। हर्ष को ना अपनी हालत के बारे में कुछ पता है, लेकिन जानकी का पूरा ख्याल रखता है वो। बस कर राम, मैं चुप हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलेगा उसके खिलाफ। दादी ऐसा क्या गलत कह दिया पापा ने? एकदम ठीक तो कह रहे हो। आपको मालूम है जानकी का किडनैप क्यों और किसने किया? उसके घर वालों ने साहूकार से पैसे उधार लिए थे और चुकाए नहीं। गुंडे उठा के ले गए जानकी को। जब पैसे चुकाने की औकात नहीं थी तो लिए क्यों? पूरा खानदान दो कौड़ी का है इन लोगों का। और वो हर्ष पता नहीं उस मनुज के चक्कर में क्या करने और कहां पहुंच गया। और आपको किसने हक दिया ये डिसाइड करने का कि जानकी जी मनहूस हैं या नहीं? हर्ष, हर्ष, हर्ष मेरा बच्चा। हर्ष तू ठीक तो है ना? हर्ष मेरा बच्चा, कैसा है तू? तुम ठीक तो हो ना बेटा? हर्ष तुम्हें किडनैप किसने किया? कुछ देखा होगा तुमने, कुछ सुना होगा। हर्ष नहीं, अभी रंगीली का नाम बताना सही नहीं होगा। उसके इरादे गलत नहीं थे। वो शायद मुझे मेरे उस अनजान दुश्मन से बचाना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे किडनैप किया था। अभी डैड को इसके बारे में बताना सही नहीं होगा। कुछ बोलते क्यों नहीं? यही तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। मुझ पर अटैक हुआ है, आप लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं पता? आप लोगों को पता होना चाहिए था। पुलिस तलाश कर रही है, बहुत जल्द सच सामने आ जाएगा। छोड़िए ना इन बातों को। हर्ष वापस आ गया है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती? अब हमको इसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। श्वेता भी तो वापस आ गई है। हर्ष आओ। दादी सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितनी अजीब बात है ना दादी, हम सब जानते हैं कि जानकी भाभी को ये केमिकल वगैरह मिक्स नहीं कर सकती मेहंदी में, पर क्या करें, हम इस बात को प्रूव ही नहीं कर सकते। कोई रास्ता ही नहीं हमारे पास। तो ठीक कह रहा है शिखर। और देखना ऐसे में उसके उसके घर वाले उसके साथ क्या सुलूक कर रहे हैं, खास करके उसकी माँ। ऐसे में हम उसको वहां कैसे रहने दे सकते हैं शिखर? लेकिन यहां तो सारे उसके खिलाफ हैं। यहां कोई भी उसे नहीं आने देगा, चाहे उस बेचारी का कोई कसूर ना हो। सब कुछ जानते हुए भी हम जानकी भाभी को उस पापा बेबी श्वेता से बचा नहीं पा रहे हैं। मैं तो चाहती थी कि हर्ष और जानकी दोनों हमेशा एक साथ रहे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है शिखर। दादी क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। दादी मैं एक बात बोलूँ? देखो बात शायद सुनने में आपको बुरी लग सकती है, पर आई थिंक हमें जानकी भाभी को यहाँ आने से मना कर देना चाहिए। दादी क्यों? दादी कितनी बेइज्जती करा चुके हैं वो अपने यहाँ पर, बस ना कितना सहन करेंगे वो। लेकिन बेटा अगर ऐसा हो गया ना तो हर्ष और जानकी कभी एक नहीं हो पाएंगे। मैं जानता हूँ दादी, जानता हूँ शायद वो कभी एक ना हो पाए, पर दादी दादी आप ही बताइए, अगर ये सब कुछ रूही के साथ हो रहा होता तो क्या आप होने देती? नहीं ना दादी, आई थिंक भाभी को इस घर से दूर ही रहना चाहिए। शायद जानकी भाभी और हर्ष भाई का साथ यहीं तक था। यहाँ आएंगी तो दुख और तकलीफ के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलेगा दादी। यहाँ से अलग अपने घर में रहेंगी तो शायद सुकून की जिंदगी जी सके। हर्ष गिर जाऊंगा मैं। कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें पता मैं तुम्हें कितना मिस किया, कितने बुरे-बुरे ख्याल आ रहे थे। हर्ष, how can you do this to me? अरे अब तो आ गया हूँ ना, तो अब रिलैक्स करो, मुझे दिखाओ जख्म कैसे, तबीयत कैसी।
तुम दोनों की शादी हो जाए, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। कितने प्यारे लग रहे हो तुम दोनों एक साथ, नजर ना लगे किसी की। एक बार हर्ष से पूछ लीजिए, वो मुझसे शादी करना चाहता है कि नहीं। वैसे भी आजकल वो जानकी में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। तो तुम इतनी शोर हो तो मत करो शादी। कैंसिल कर देते हैं। वैसे वो जो काइंड इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड नहीं, एहसानमंद रहता हूँ, मेरी जान बचाई है उन्होंने। यू शुड नेवर फॉरगेट अबाउट दैट। हर छोड़ो ना इन सब बातों को, शादी की तैयारी करते। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।